गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे HTML के बेसिक के बारे में कि HTML लैंग्वेज क्या होती है, उसमें अपन किस किस टाइप का टैग यूज़ कर सकते हैं और अपन लोग उसके कौन कौन से वर्जन अभी तक के अवेलेबल हैं ये अपन पढ़ेंगे किसमें HTML के इंट्रोडक्शन। तो HTML क्या है? एक वेब लैंग्वेज है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो अपन क्या पढ़ते हैं HTML में कि अपन लोग किसी भी वेब पेज की डिज़ाइनिंग के यूज़ होने वाली जो सबसे बेसिक लैंग्वेज होती है वो क्या कहलाती है, HTML लैंग्वेज कहलाती है। इसका विकास कब हुआ? 1990 के दशक में इसका विकास हुआ। इसके इसके में अपन लोग कोई भी वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, इसके लिए जो अवेलेबल है अपने पास कोड्स हैं, कोड मतलब इसके लिए जो अपने पास डिफरेंट टाइप के टैग्स यूज़ हैं उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टैग का यूज़ करके। तो इसमें अपन सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि HTML का पूरा नाम क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो H स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट, L स्टैंड फॉर लैंग्वेज, N स्टैंड फॉर मार्कअप। इट मीन्स HTML का फुल फॉर्म क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब अपन इसमें पढ़ेंगे कि हाइपर टेक्स्ट का नॉर्मल मीनिंग क्या होता है। जब भी अपन किसी वेबसाइट को या किसी वेब पेज को ओपन करते हैं तो अपने पास क्या होता है, कुछ टेक्स्ट जो होते हैं वो ब्लू कलर से लिखाए हुए होते हैं, उसके नीचे एक अंडरलाइन बनी होती है। अगर अपन उस पर जाकर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एट दी सेम टाइम वहाँ पर दूसरा वेब पेज लोड हो जाता है या किसी भी टाइप के उसमें लिंक अपन कर देने से क्या कर सकते हैं, दूसरे वेबसाइट पर अपन जा सकते हैं या दूसरे वेब पेज पर अपन जा सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका, हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। हाइपर टेक्स्ट मतलब उसमें अपन माउस को ले जाकर क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एट दी सेम टाइम दूसरे वेब पेज को डाउनलोड कर देगा। मार्कअप का मीनिंग क्या निकलता है, मार्कअप का मीनिंग ये निकलता है कि अपन उसे क्या कर सकते हैं, उसका लुक चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने को कोई चीज़ नॉर्मली लिखनी है उसको अपन क्या करना है, अगर अपने को चेंज करना है, उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, तो अपन HTML टैग्स के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, उसका लुकआउट चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, उसका मार्कअप कहलाता है। देन अपन पढ़ेंगे यहाँ पे लैंग्वेज का क्या मीनिंग निकलता है। तो लैंग्वेज का नॉर्मल मीनिंग निकलता है कि कन्वर्सेशन के लिए कोई मीडिया यूज़ करना क्या कहलाता है, लैंग्वेज कहलाता है। जैसे अपन लोग हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज ये सब पढ़ते हैं, वैसे ही अगर अपने को HTML को कुछ बोलना है या कुछ लिखना है या उसमें कुछ कोडिंग के लिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, HTML की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं HTML के टैग्स। देन अपन इसमें पढ़ेंगे कि HTML का सिंटैक्स क्या होता है। किसी भी चीज़ का सिंटैक्स मतलब क्या होता है, उसको किस पैटर्न पर लिखने का जो रूल है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। वैसे ही जो HTML का सिंटैक्स है वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका क्या होता है, एलिमेंट होता है, देन आपका दूसरा होता है टैग और आपका तीसरा होता है टेक्स्ट, है ना। तो अपने को कोई भी चीज़ अगर किसी HTML का सिंटैक्स को अपन लिखना है तो अपन क्या यूज़ करते हैं, ओपनिंग टैग, देन अपन यूज़ करते हैं उसका क्लोज करने के लिए क्लोजिंग टैग, और उसके बीच अपन जो भी चीज़ लिखते हैं वो क्या हो जाती है, वो चीज़ वहाँ पे एट दी सेम टाइम डिस्प्ले होने लगती है जिस टैग के अपन यूज़ करके उसको बनाए हैं। तो ये क्या कहलाता है, HTML का बेसिक सिंटैक्स कहलाता है। देन अपन पढ़ेंगे कि HTML का विकास कैसे हुआ, उसके हिस्ट्री क्या है, उसका वर्जन कौन कौन से आए, कब कब आए, है ना। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़े थे अभी HTML कब आई, 1990 के दशक में आई, है ना। तो इसका इन्वेंशन किसने किया था, टिम बर्न्स ली ने इसका इन्वेंशन किया था। सबसे पहले इन्होंने ही HTML बनाया, जो कि अभी क्या है, जो कि जनरली अभी किसमें चल रही है, वर्ल्ड वाइड वेब संस्था के अंदर आ गया है, जो अब क्या करता है, HTML का पूरा जो है वो उसका एडवांस वर्जन बनाने का जो है वो अब किसके थ्रू होता है, WWW सिचुएशन के, इसको अपन बोलते हैं W3C के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, HTML के जितने भी न्यू वर्जन आ रहे हैं वो इसी के थ्रू आ रहे हैं। HTML का संस्करण, HTML के कौन कौन से संस्करण है। फर्स्ट संस्करण आया आपका HTML, इसका जो किसका रूप है, जनरलाइज स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज का ही दूसरा रूप है ना। इसको किसके द्वारा बनाया गया, टक्सट के द्वारा बनाया गया था, है ना, जो कि इसके यूज़ होता है HTML के लिए यूज़ होता है। इसका जो अलग अलग संस्करण मतलब उसके अलग अलग वर्जन क्यों आए, क्योंकि तो हर वर्जन में अपने पास क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, है ना। तो सबसे पहले HTML का अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि HTML के कौन कौन से वर्जन अवेलेबल हैं। देन HTML का नया वर्जन आया 2.0, है ना, ये किसका था, IETF का एक के द्वारा बनाया गया था। सब IETF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा बनाया गया। ये कब आया, 1995 में आया, ठीक है। इसको HTML 2.0 का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके पहले वर्जन का नाम था 1.0। देन उसके बाद कौन सा वर्जन आया उसका, 2.0। देन इसके बाद आया आपका HTML का वर्जन 3.0, जो कि ये वर्जन कभी भी प्रकाशित नहीं किया गया। ये प्रकाशित क्यों नहीं गया, जिसके पीछे ये कारण था
कि अब HTML के वर्जन 1 और वर्जन 2 आने के बाद क्या हुआ, लोग बहुत से लोग HTML के साथ जुड़ने लगे, मतलब उनको जो ये लैंग्वेज है बहुत अच्छी लगने लगी है ना, तो वो क्या करने लगे इसमें खुद से ही कुछ कुछ चेंज करने लगे। तो इसको चेंज को देखते हुए अब लोगों ने क्या किया, HTML का नया वर्जन बनाया 3.0, लेकिन ये क्या हुआ कभी प्रकाशित ना कर पाए, क्योंकि क्या होगा इसमें जो लोग एक साथ काम कर रहे थे तो जो HTML का जो स्टैंडर्डाइजेशन था वो क्या होने लगा, ख़राब होने लगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया 3.0 को पब्लिश नहीं किया। देन क्या हुआ HTML का वर्जन 3.0 था जब वो पब्लिश नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि उसमें एकरूपता नहीं आई, सब उसमें क्या कर रहे थे क्लासली चेंज करते जा रहे थे। तो फिर उसके जब HTML का वर्जन 3.0 बना तब तक ये क्या हुआ था 1977 में एक HTML का जो नया वर्जन आया 3.0, उसके बाद आया उसका नया वर्जन 3.2। तो इसके बीच में क्या हुआ W3 नाम की एक जो संस्था थी वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्ट्रीब्यूशन टाइम की जो संस्था थी वो क्या करने लगी HTML का नया वर्जन को, वो बोले कि हम अच्छे से इसको पब्लिश करेंगे और इस पर जो भी चीज़ें थी उसको क्या करेंगे एडवांस करेंगे। तो जब HTML का जो वर्जन आया 3.2 वो क्या हुआ उसमें केस अपन क्या कर सकते हैं HTML में बहुत ईजिली अपन कोडिंग कर सकते हैं, उसकी ब्राउजिंग ईजी हो गई, इसमें अपन अलग अलग टाइप के स्टाइल शीट यूज़ करने लगे। तो ये जो 3.2 जो वर्जन था वो 3.0 एंड 3.2 दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन था। देन अपना नेक्स्ट वर्जन आया HTML 4.0। HTML 4.0 क्या था, ये जैसे अपन लोग अभी तक के जो HTML थे वो उतनी अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते थे है ना, लेकिन अब अपने पास क्या हुआ जो नई नई स्टाइल शीट अपन यूज़ करते हैं तो अपन को उसका नया संस्करण भी यूज़ करना पड़ेगा। तो HTML 4.0 में अपन क्या कर सकते हैं स्टाइल शीट का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके थ्रू अपन फ्रेम जो है स्क्रिप्ट है स्टाइल शीट आदि को जोड़कर एक नया क्या बनाया गया HTML का वर्जन बनाया गया जो क्या कहलाया HTML 4.0 वर्जन कहलाया गया, जो अब तक के सबसे बड़ा क्या था इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव था, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं HTML में जो उसकी डिज़ाइनिंग जो हो गई वो और अच्छी इम्प्रूव हो गई। देन अपन पढ़ेंगे HTML के वर्जन 4.01। 4.01 क्या है HTML का नया वर्जन है जो किसका एडवांस वर्जन है आपका W3C का एडवांस वर्जन है ना। HTML का जो ये अगला संस्करण था 4.0.1 जो HTML 4.0 का ही क्या है उसका संशोधित रूप है, जिसको किसके थ्रू बनाया गया है W3C द्वारा बनाया गया है, कौन सी इसमें 1999 में बनाया गया जो आज लगभग सभी चीज़ों में यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। अभी तो अपन लोग पढ़ रहे थे कि HTML का डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वर्जन कौन कौन सा है, तो अपन लोग पढ़ते हैं HTML का वर्जन 5 है ना। तो HTML का ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है जिसे अपन लोग क्या कर सकते हैं XML की इसमें एडवांस, जिससे अपन लोग क्या पढ़ते हैं कि वर्जन में अपना क्या होता है कोई कोई चीज़ें नहीं आती रहती हैं हमेशा। तो अपना HTML के जो वर्जन 5 है ये किस में आया है, इसमें अपन XML का भी यूज़ कर सकते हैं और ये जो है वो अभी मोस्टली यूज़ होने वाला वर्जन है। थैंक यू सो मच।